अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा हज़रल क़िस्मता उलुल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरत अन निसा की आयत नंबर 8 सीखेंगे। तजवीद के साथ शुरू करते हैं। व इज़ा अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हदौरल दाद हुरूफ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। रो ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। लाम साकिन को हिलाना नहीं। क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। क़िस्मत बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। उलुल क़ुर्बा क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। रा भी पुर पढ़ा जाएगा। रा साकिन से पहले पेश है, इसलिए रा साकिन पुर पढ़ा जाएगा। बा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क़ुर्बा वल यतामा, ता और मीम दोनों के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वल मसाकीन, सीन के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। की या मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फरज़ुक़ूहुम, रोसाकिन से पहले ज़बर है, इसलिए रोसाकिन पुर पढ़ा जाएगा। ज़ुक़ूहुम, को व मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया है, इदग़ा में शफ़वी होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हा आया है, इजहार हल्की होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। वक़ूलू, क़ूलू दोनों हुरूफ़ मद्दा हैं, वाव मद्दा एक एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा यानी मोटा पढ़ा जाएगा। लहुम मीम साकिन के बाद क़ाफ आया है, इजहार शफ़वी होगा, क़ाफ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। क़ौलीन है, थोड़ा नरमी के साथ खींच कर अदा करेंगे। तनवीन के बाद यारमलून का मीम आए, इदग़ा मअल गुन्ना होगा, आइन साकिन को हिलाना नहीं। रॉ पेश की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। रू व मद्दा है, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फ़ा वक़फ़ की सूरत में दो ज़बर को बदल कर एक ज़बर के साथ वक़फ़ करेंगे, अलिफ मद्दा बनेगा, एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे। यहाँ पर वक़फ़ ताम है, रुकने की सूरत में यहाँ पर वक़फ़ बिल इब्दाल होगा, यानी फ़ा एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे। और मिलाने की सूरत में तनवीन के बाद यरमलून का वाव आया है, इदग़ा मअल गुन्ना होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। तो आज का सबक हमारा यहाँ तक ही है। وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا। तो आज का सबक जो है हमारा यहाँ तक है। एक बार रिपीट करता हूँ मैं। وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قولا معروفا। सदक अल्लाहुल अज़ीम। आज की इस वीडियो में इतना ही। गलती को तो है माफ़। टेक केयर। खुदा हाफ़िज़।